दाता है। हाँ क्या सुन रहे थे? बाबा सबका सब सदगति चाहता है। और पापा। बाबा ने क्या कहा? हर आत्मा को वापस तो जाना ही है, ऐसा नहीं कि कोई इधर टिक जाएगा, हर आत्मा को वापस जाना है। तो बाबा कहते आत्मा ही क्या बनती है? सतो रजो तमो, आत्मा ही बनती है ना। ये बाबा ने अभी हमें स्पष्ट किया कि आत्मा यहाँ से शरीर छोड़कर जाती है, देवी संस्कार धारण करके जाती है, फिर आत्मा ये दुख धाम से शांति धाम जाती है, शांति धाम से फिर कहाँ आती है? सुख धाम में। बाबा कहते आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है। क्यों थोड़ा पार्ट है? क्योंकि आत्मा को मिनिमम एक जन्म तो लेना ही होता है। इसीलिए आए और गए जैसे मच्छर हो मुआफिक, जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। सो बाबा कहते हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं उनका 84 जन्म तो हुआ ही रहेगा। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता, सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं, बाप तो है निराकार और हम आत्माएं भी निराकार हैं। आए निराकार है बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं, बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। कौन सा मुख? ब्रह्मा मुख है ना। तो बाबा कहते शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं। देखा ना, शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए हैं, वह भी इस मुख में आकर समझाते हैं। क्योंकि शिव बाबा ऊंचे से ऊंचे धाम में रहते हैं, परम धाम, और इसीलिए उनका जो मंदिर है वो भी ऊंचे से ऊंचा बनाया है। बाबा कहते शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंचते ऊंच बनाते हैं। कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेलों पर, उसमें ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? क्या कहते हैं बाबा कि ज्ञान अमृत पीने का कोई ऊपर में नहीं रखा है? इतना ऊंचा स्थान ऊपर बनाया तो उस ऊपर में ज्ञान अमृत नहीं है। ज्ञान अमृत ऊपर में पीना मतलब ऊपर वासी होकर रहना। सृष्टि में रहते ही हमारे मन और बुद्धि से हमेशा ऊपर में वास करना। कितना खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि करने पड़ते हैं, तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई संभालने के लिए दे जाते हैं ना। जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो बाबा कहते बच्चों को भी संभालना पड़ता है, साथ में नहीं ले जाते हैं, 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है और पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे, छोटे बच्चों को तो एक जगह पे टिक नहीं सकते हैं ना बच्चे। योग और ज्ञान सीखने तुम आए हो, बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है ना। यह हमारी बहुत अच्छी एक धारणा होनी चाहिए कि जब भी हम सेंटर पर जाए, मुरली क्लास में जाए, तो इतना सावधानी से हमें जाना है कि जरा भी हमारी वजह से किसी का ध्यान डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं नहीं तो अटेंशन नहीं जाता, शांति में बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तो आज कमाई करने का दिन है ना। आज लौकिक में भी देखो, सैटरडे को हनुमान के मंदिर के बाहर कितने लोग है ना बैठे रहते हैं कमाई करने के लिए, है ना। पर हमें तो क्या कमाई करनी है?
ज्ञान और योग से आत्मा की झोली भरते रहना है। तुम जानते हो हम हेवर हेल्थी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती है, बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। बाबा की याद में कैसे रहेंगे? कुछ नहीं तो पीस ऑफ माइंड टीवी चालू करो खाना बनाते टाइम, या फिर बाबा के अच्छे गाने सुन लो, है ना, जिससे बाबा की याद बनी रहे, बाहरी वातावरण के कोई भी ख्याल ना आए, है ना। तो आज ये हम क्या करेंगे, इसको धारण करेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं कि खाना भी अपने हाथों से बनाना है, हाथों से काम भी करो, बाबा को याद भी करो, अपने बाप को। तो क्या करो, काम भी करना है और याद भी करना है, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और याद में रहने से जो चीज बनेगी अच्छे से अच्छी बनेगी, है ना। जब ही जैसे है ना कहा जाता है लौकिक में कि जितना प्यार से माँ बनाती है उतना प्यार से बच्चों के लिए कोई भी भोजन नहीं बना सकता। मसाला सब वही, रीति भी वही, पर उसमें एडिशनल फ्लेवर क्या होती है जो टैंगो इफेक्ट देती है, वो है माँ का सच्चे दिल का स्नेह। माँ को बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही रहता है कि मैं मेरे बच्चे के लिए बना रही हूँ, मेरे बच्चे के लिए बना रही हूँ, मेरे बच्चे को ये बहुत पसंद है, मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो भावना से वो बनाती है तो उसका सब प्यार उस भोजन में जाता है, और इसीलिए वो भोजन बहुत ही सिंपल होता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बाबा कहते हैं कि हमको भी क्या करना है, बाबा की याद में रहकर जब ये भोजन बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तुमको विश्व के बादशाही मिलती है, तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे, तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती है, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता, अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। मतलब यहाँ पर हमने अच्छी बातों को धारण किया होगा जीवन में, तो जब भी हम दूसरा जन्म लेंगे तो वो अच्छे कुल में मिलेगा। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है, अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती, वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, है ना। तो जैसा लीडर होता है वैसे उनके फॉलोवर बनते हैं, पर यहाँ पर ना लीडर है ना फॉलोवर है, यहाँ पर एक परिवार है, ईश्वरीय परिवार, अलौकिक परिवार, है ना। और उस परिवार में ब्रह्मा बाबा माँ बाप है और हम सब बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहेंगे हम तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह तो पक्का है ना। सबको सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो एक है, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। बाबा कहते हैं मम्मा को तो तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स है फिर नाम रख दिए है, कन्याकुमारी अधर कुमारी, तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं, हम सब है ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है, बरोबर तुम बैठ यह नॉलेज देते हो, अर्थ सहित यह देलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो,
तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं। क्या स्थापना कर रहे हैं? पहले तो अपने संस्कार को परिवर्तन कर देवी गुणों की स्थापना हम आत्मा में कर रहे हैं, और फिर साथ साथ हमारे आजू बाजू का एनवायरमेंट चेंज कर रहे हैं। बाबा कहते हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाबा याद प्यार और मोहनी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बन जाओगे फरिश्ते। चलो परम धाम के रास्ते रास्ते वाह बा 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 वाह बा वाह वाह ड्रामा वाह वाह ड्रामा वाह और वाह मेरा भाग्य वाह वाह मेरा भाग्य वाह। दुआए दो दुआए लो दुआए दो दुआए लो। शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रोज बाबा को हमें क्या करना है? शुक्रिया, क्योंकि बाबा ने हमको चुन लिया, अपना बना लिया, अपने को सब दुख से निकाल दिया, कीचड़ से निकाला, तो बाबा का कितना शुक्रिया अदा करे वो कम है। अभी धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहली पॉइंट है ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। बाबा के महावाक्य सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। कर्मयोगी भी बनना है। तीन बातें बाबा ने कही, ज्ञान योग पर पूरा अटेंशन, जब सुनते हैं एकाग्र चित्त शांत बनना, और साथ साथ में कर्मयोगी भी बनना, थ्री इन वन। तो बाबा सेकंड पॉइंट बताते, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। क्या बजाना है? ज्ञान शंख भी बजाना है। आज का वरदान है एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ की स्मृति से एकर स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एकर स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा कहते कैसे बनेंगे श्रेष्ठ आत्मा? एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, उनके पॉइंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट स्वरूप में रहे, यह है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। तो बाबा ने क्या कहा, परिस्थिति जब भी आती है, किसी के साथ हिसाब किताब अपना चलता है, परिस्थिति नीचे लाती है, तभी हमें पॉइंट स्वरूप को याद रखना है।
कभी भी कोई जब ये रखेंगे तभी बात नीचे नहीं खींचेगी, कोई व्यक्ति कोई चीज कोई वायुमंडल यह तो होगा ही, लेकिन सेकेंड में यह सब विस्तार समाप्त हो एक रह स्थिति रहे तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति से अपनी स्थिति को एकरस रखना है, और जब हम ऐसे एकरस रहेंगे तभी हमारी स्थिति हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, नॉलेज की शक्ति धारण करो, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति को धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। ये थे आज के 3 जुलाई के बाबा के बहुत मीठे मधुर महावाक्य। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। तो आज की मुरली से क्या याद रखेंगे? मुरली को पॉइंट स्वरूप आज की मुरली से क्या ध्यान रखेंगे? ज्ञान और योग को पूरा अटेंशन देना है, कर्मयोग भी करने हैं। बाबा ने जो घर में घर का रास्ता बनाया है वो सबको बताना है। बहुत अच्छा, ओम शांति। सुधा बहनी चक्र फिराते समय भी शंख ध्वनि बजाना है। ओम शांति, ओम शांति दीदी। कुछ भी बाबा ने आज कहा है, कुछ भी काम करते हुए भी बुद्धि का योग बाप से लगाना है। बाबा को याद करने से ही हमारी कमाई होती है, हम एवर हेल्दी बनेंगे। बाप की याद में ही रहकर भोजन भी अपने हाथों से बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा, ओम शांति। हम बच्चों की माया से बॉक्सिंग होती रहती है, यही महाभारत है। इंदिरा सुनाम बहनी भन्नु। आज बाबा ने कहा ज्ञान योग, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। मुरली सुनते समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। नंदी, ओम शांति, शांति दीदी, ओम शांति। आज पापा ने कहा है ज्ञान का शंख बजाओ, यह ज्ञान और शंख तुम ब्राह्मणों का है। यह बाबा स्वयं आकर बच्चों को पढ़ा रहा है, विकर्म विनाश करा रहा है, सर्वशक्तिमान बना रहा है। शिव बाबा को याद में रहना है, और बाबा ही अविनाशी है, उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बाबा ही सर्व का सबगति दाता है, बच्चों को खुश रहना है, हर एक को आत्मा को वापस घर जाना है। ओम शांति। बहुत बढ़िया, ओम शांति, ओम शांति। बाबा बाबा रोज कह रहे हैं बच्चे देह ही अभिमानी जरूर बनना पड़े, क्योंकि यह देह अभिमान के कारण ही दुर्गति हुई है। इंदिरा गौतम बहनी भन्नुहोस्। पद्मा दीदी, ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान और योग में, ज्ञान और योग में पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है, कर्म योगी भी बनना है। ओम शांति, ओम शांति। मैं बोली, ओम शांति। आज बाबा ने कहा अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है,
यह दुख के दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए पुरानी बीती बातों को भूल जाओ। ओम शांति। माया बहन, आपको आपको कैसा लगता है जब भी बाबा कहते हैं माया से बॉक्सिंग है? बहुत बहुत माया तो पक्का है। जीते उनका नाम अभी। अच्छा जीना जीना दीदी बनुस शर्मा जीना म्यूट टीचर। मीना बहनी भन्नुहोस् उहाँले। बहुत अच्छे से मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छी पॉइंट सब बताते हैं, जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। जी ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हम अज्ञान नींद से जागे हैं, तो अभी हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि वहां पे दुख का नाम निशान नहीं है, तो इस दुख भरी दुनिया को भूलते जाना है। और नॉलेज की शक्ति धारण करने अगर नॉलेज की शक्ति धारण करेंगे तो विघ्न वार करने की वजह हार खा लेगी। मीना बहनी बनो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं अब तुम जागो। वो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ओम शांति। ओम शांति। पुष्पा दीदी बोलो। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बताए हैं कि जो विघ्न आएगा तो आत्माओं से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सिर्फ बाबा के पास आकर बाबा को बताना और बाबा को याद करना। रेखा दीदी बोलो। संगीता बेंजी बोलो। बस भन्नुस् रेखा दिदी। बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छी पॉइंट हमें बताई, बहुत अच्छा लगा। खास हाँ जी खास ये कहना हम चाहते थे कि कल किन्होंने गाना गाया था मुझे नाम याद नहीं है, तो मैंने कल एक लिंक फॉरवर्ड किया है अपना आरजे मधुबन जो अपना आबू से एक प्रतियोगिता है सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो उसमें आप भाग ले सकते हो, है ना? तो इसीलिए मैंने कल फॉरवर्ड किया था, जिनको गाने का शौक है ना, तो बाबा उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है। और ये प्लेटफॉर्म खाली गाने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए जिनको गाने का शौक है आप उनको एनकरेज करिए और वो लोग उसमें हिस्सा ले। हर महीने ये प्रतियोगिता होती है और मैं अभी आपको फॉरवर्ड करती रहूंगी। अभी मुझे भी थोड़ी सेवा उधर मिली है और जो मिले वो करना चाहिए। बाबा कहते हैं जो अपने में विशेषता बाबा भर रहा है उसको यूज करना चाहिए, ठीक है ना? जी जी। और अभी ये दूसरा बहन भी गाएंगे, कई बहने गाते। अरे वाह, तो उनको आप जरूर जरूर से रजिस्टर करने बताइएगा भाई जी, बहुत उधर मतलब अच्छा रहेगा, उनको मजा भी आएगा। जी अच्छा है, जी। है ना, आज भी है, आज भी एक लाइव प्रोग्राम है शाम को, मैं है ना लिंक भेजूंगी आपको, तो आप लोग देखना लाइव के कैसे होता है वो,
क्योंकि आज भी मुझे उसमें 10 मिनट मेडिटेशन कराना है, 10-15 मिनट, जैसे कल भी मेरे को मिली थी सेवा, तो मैं आपको लिंक भेजूंगी ग्रुप में जैसे आएगी, है ना। तो जो गाने का शौक रखते हैं वो तो जरूर देखें और जरूर इस प्रतियोगिता में भाग ले। और साथ साथ बहुत जल्द मैं भी एक है ना इवेंट करने वाली हूँ नॉन बीकेस के लिए। अच्छा, जो एक मस्ती म्यूजिक मस्ती ग्रुप है हमारा, जिसमें 120 या ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से 100 लोग तो नॉन बीके है। मैं अभी अभी उधर जुड़ी हूँ, तो मैं एक इवेंट होस्ट करने वाली हूँ, तो तभी आपके जितने भी लोग अच्छा गाते हैं ना उसका मुझे नाम भेजना, मैं उनकी सेवा जरूर लूंगी तभी। अच्छा, बहुत अच्छा दी अपॉर्चुनिटी। ओके, ओम शांति। मैं बहन गौनी गौन सर कुछ कौन ओम शांति ओम शांति। अच्छा, माया जी गा रही है, वेरी गुड। हां गा रहे हैं गौन योरा, बहुत अच्छे। इलती सितारे का गाता तारे तारे है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। दिल की सितार का गाता तार तार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। मन की लगन को कैसे मैं छुपाऊं, तेरी ही प्रीत के मैं गीत सुनाऊं। मन की लगन को कैसे मैं छुपाऊं, तेरी ही प्रीत के मैं गीत सुनाऊं। नैनों से प्यार का होता इजहार है, नैनों से प्यार का होता इजहार है। दिल की सितार का गाता तार तार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। सुख सावन की झड़ सी लगाई है, आत्मा दीप जल उठे जो फूल छड़ी तलाई है। सुख सावन की झड़ी सी लगाई है, आत्मा दीप जल उठे जो फूल छड़ी तलाई है। ज्ञान की श्रृंगार का पाया उपहार है, ज्ञान की श्रृंगार का पाया उपहार है। दिल की सितार का गाता तार तार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। देखूं तो देखता तेरा ही नजर है, भरी दुनिया में बाबा तू ही हमारा है। देखूं तो देखता तेरा ही नजर है, भरी दुनिया में बाबा तू ही हमारा है। तेरी उपकार का बार 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 है, तेरी उपकार का बार 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 है। दिल की सितार का गाता तार तार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा
ही संसार है, दिल की सितार का गाता तार तार है। बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जी। बहुत बढ़िया आपने गाया माया जी, और ऐसे मधुर आपकी आवाज है ना, तो आप वो प्रतियोगिता में जरूर पार्ट लीजिए। अभी और कोई गाने चाहता है कि बाबा के बच्चों के साथ यही तो एक अच्छी मुलाकात होती है। कौन सी प्रतिभावनी कौन है प्रतिभावनी हजुर कौन है हजुर हुन्छ गर्नुस् हुन्छ अरे बहन जी शान्ति हाँ जी गाने का प्रतिभा भी है उनके जी। हाँ जी। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेसुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादू गरी हो गई। जिंदगी सोने जैसे खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादू गरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। बहुत बढ़िया, इतने मधुर आप लोगों की आवाज है, जितने भी गा रहे हैं, कल भी गाए आज भी गाए, बहुत अच्छी आवाज जी। एक चीज मैं आपसे शेयर करती हूँ, जैसे आप लोग गाने गाते हो आपकी तो आवाज बहुत अच्छी है, बट
मैं थोड़े गाने लिखती हूँ बाबा के, और वो जो अपने पिक्चर्स के लौकिक गाने होते हैं उससे गाने लिखती हूँ। ठीक है, मेरी आवाज इतनी मधुर नहीं है जितनी आप लोगों की है, तो मैं एक आपको गाना अभी जो मैंने लिखा है मैं सुनाती हूँ, और आप लोग को भी मैं प्रेरणा देती हूँ कि ऐसे आप लोग भी अच्छे अच्छे बाबा के गाने बनाइए, ओरिजिनल, जो हमारी मतलब कोई भी मूवी का गाना हो, कोई भजन हो, उसमें से बाबा के गाने आप लिखिए और आप आपके ओरिजिनल साउंड में उसको रखिए, यादगार बनाइए। तो एक गाना है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, ये फिल्मी गाना है, उससे बाबा का गाना बनाया है। बाबा तू कहे तो मैं बता दूं, तेरा शुक्राना फिर से मानूं, तेरा दीदार फिर से कर लूं, मेरे दिल में आज क्या है बाबा तू कहे तो मैं बता दूं, मुझे पवित्र बनाकर तेरी रहमतों ने पूजा, मुझे पवित्र बनाकर तेरी रहमतों ने सींचा, मेरा स्वमान कह रहा है मैं तुझे अभिमान बना दूं, तेरा शुक्राना फिर से मानूं, तेरा दीदार फिर से कर लूं, मेरे दिल में आज क्या है बाबा तू कहे तो मैं बता दूं, कोई ढूंढने भी आए तो मैं मुझे ढूंढ ना पाए, कोई ढूंढने भी आए तो हमें ना ढूंढ पाए, तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं, तेरा शुक्राना फिर से गाऊं, तेरा दीदार फिर से कर लूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी बाहों में आकर मैं सुख चैन पाऊं, तेरी बाहों में आकर मैं सुख चैन पाऊं, मैं तेरी किरणों में छुप कर मैं जहां से खुद को छुपा लूं, तेरा शुक्राना फिर से गाऊं, तेरा दीदार फिर से कर लूं, मेरे दिल में आज क्या है बाबा तू कहे तो मैं बता दूं, ओम शांति। शांति। चलो फिर से मिलेंगे हम बहुत जल्द।